नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म जैसे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी का प्यार मिल रहा है और अपना सब्सक्राइबर का कारवा बढ़ रहा है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मित्रों, सनातन धर्म जैसे यूट्यूब चैनल पर अपनी जो सीरीज चल रही है ब्रज 84 कोस यात्रा, डॉक्टर श्रीमती कृष्णा जैमिनी एवं भागवत प्राचार्य माधव कृष्ण भारद्वाज मधुर जी के संग। तो मित्रों, इसमें अब की जो कड़ी है ये तीसरे दिन का पड़ाव है, भांडीर वन की यात्रा। जी हाँ मित्रों, भगवती श्री राधा रानी और श्री भगवान श्री कृष्ण की विवाह स्थली है और यहाँ पर एक कुआं भी है और दो वृक्ष हैं, एक भगवान कृष्ण के नाम का और भगवती श्री राधा रानी के नाम का। उन दोनों के विवाह का प्रतीक उनकी शाखा एक है। इसका वीडियो हमने 3 साल पहले डाला था, हमने वहां पर वीडियो बनाया था और वहां पर इसका पूर्व वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये उसकी दूसरी कड़ी है जहां पर हमारी ये वीडियो हमारी माता जी ने शूट किया है। तो देखते रहिए मित्रों, ब्रज 84 कोस यात्रा डॉक्टर श्रीमती कृष्णा जैमिनी के संग। श्री राधा कृष्णा ध्यान नमः। ओम श्री राधा। ये हम भांडीर वन में हैं, जहां श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। अभी ऊपर हमने मांग भरते हुए श्री कृष्ण जी को देखा कि राधा रानी के सिंदूर भर रहे हैं। और ये जो हम देख रहे हैं कूप, हरिओम भाई इसमें से जल निकाल रहा है। ये देखिए, हमारे साथ आए हुए हमारे संगत के प्रमुख, ये वो कूप है जहां पर सोमोती मावस पर जब स्नान करते हैं जो निसंतान दंपति, तो उनके यहाँ अवश्य संतान होती उत्पन्न होती है और यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। ये देखिए, पानी निकाल रहे हैं हमारे हरिओम भैया। ये प्राचीन कुआ है, इस कुएं की बहुत मान्यता है कि यहाँ पर इसका जल हम पिएंगे, ग्रहण करेंगे। अभी हमने देखिए विवाह स्थली देखा था, वो मंदिर प्राचीन राधा कृष्ण की विवाह स्थली। ये देखिए हमारी संगत के प्रमुख हरे कृष्ण जी महाराज, इसको हम वेणुकूप बोलते हैं। ये देखिए, पानी निकाल दिया हमारे हरिओम भैया जी ने। वृक्ष ये राधा, वो कृष्ण, ये ब्रह्मा जी, ये प्राकृतिक इससे जुड़े हुए हैं। देखिए डाल से जैसे गठबंधन करते। ये देखिए, ये देखिए, ये भी वास थली है। ये देखिए वास थली जो है, चलिए यहाँ विशेष महत्व। ये देखिए, ये देखिए, ये वट वृक्ष, इनकी महत्व। ये उसी समय से खड़े हुए हैं वट वृक्ष। आ जाइए वहाँ दाऊ जी के मंदिर के दर्शन होकर। हरिओम, ये वहाँ दाऊ जी के मंदिर के, ये राधा जी के उसमें और वो कृष्ण और बीच में ये ब्रह्मा जी। ये प्रलंबासुर का वध किया था दाऊ जी ने यहाँ पर, तो उद्धार किया था प्रलंबासुर का। यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है प्रसिद्ध। ये देखिए प्रलंबासुर उद्धार लीला। ये देखिए, जय हो दाऊ जी महाराज की जय।